सर बाल में कैसे कहाँ सर ऐसे नाम सर यहाँ पे कुछ भी पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में नहीं बताया गया था हमें। हम तो चाहते हैं कि हमें इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले जम्मू में। हमारी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो यहाँ पे आके जुड़े और इंजीनियरिंग फील्ड के लिए बताएं कि हमें भी चाहिए जॉब। सबसे पहले ये तो एक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा स्टेप है कि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए इतने पोस्टें वगैरह निकाली, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया और ये ऐसा कदम उनको काफ़ी लेना चाहिए। काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है और प्राइवेट जॉब्स को छोड़ते हुए उन्हें जम्मू एंड कश्मीर के लिए गवर्नमेंट जॉब्स भी निकालनी चाहिए। यही मेरी एक गवर्नमेंट से एक अपील है एज ए स्टूडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो मौके पे देख के जब वो आपस में वन टू वन कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो जम्मू के हैं वो बाहर जॉब लेने से थोड़ा गुरेज करते हैं, तो लेकिन यहाँ भी ये जो कंपनीज हैं प्राइवेट जो जॉब प्रोवाइडर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको जो है जॉब यहाँ मौके अपने अपने जो है स्टेट में देंगे। यस, वो रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो रजिस्ट्रेशन भी हो रही साथ में हो रही है और उनकी काउंसलिंग होगी और उनको हम और डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि वो इनको फॉलो करें ताकि जहाँ ऐसा ना हो कि ये जॉब यहाँ अपने रिज्यूम वगैरह दे दें अपने वो देख लें और बाद में जॉब ना मिले, लेकिन वैसी बात नहीं होगी। डिपार्टमेंट को कहा गया है कि वो जो है इनको फॉलो करें ताकि उनके बच्चे को जो है उनको जॉब मिल जाए। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि काफ़ी यूथ अनएम्प्लॉयड है और जॉब्स के लिए काफ़ी ऐसा चलता है कि सिफारिश वगैरह चलती है। इस तरीके से गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी कंपनीज पार्ट ले रही हैं इसमें और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अपना कैलिबर दिखाए और इंटरव्यूज़ करवें सो दैट उनकी जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटी मिले। जॉब लाइक क्वालिफिकेशन जिनकी ITI वगैरह उनके लिए तो ठीक है, बट जो BTech है उनके लिए तो कोई जॉब्स नहीं। BTech IT है मेरा, तो मुझे अपने रेलेवेंट तो कुछ नहीं लगाया। मुझे तो खैर अपने लाइक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें जो भी पोस्ट वगैरह थी प्राइवेट थी ये मतलब हाईली क्वालिफाइड बच्चों के लिए नहीं थी और मतलब अपने हिसाब से नहीं लगा, हर किसी का अपना अपना नज़रिया है, तो मुझे ठीक लगा। मतलब यहाँ पर आई है, मैंने उनको सभी को देखा है और मुझे लगता है कि इस जॉब मेले के बाद बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो जहाँ एडजस्ट हो पाएंगे और इसके साथ ही हर तरह का, चाहे वो 10th पास है या पोस्ट ग्रेजुएट है, सभी के लिए यहाँ पर जॉब्स हैं। मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को कहूँगा कि बार बार इस तरह का जो इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए ताकि हमारे नौजवानों को एक जॉब प्रोवाइड हो सके।